हे गाइस वेलकम बैक। मेरा नाम है अमन 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 अमन। सो गाइस अभी के बज रहे हैं रात के 10 और 10 बजे ना यहाँ पे मतलब गांव में सारे के सारे लोग जो है वो आधी नींद में होते और यहाँ पे हमें ना जगे हुए क्योंकि हमको है ना 1 बजे से पहले ना नींद आती नहीं है। और अभी के अभी 10 बजे ना पायल खुशबू जो है वो सबकी मेहंदी छाप के हमारी मम्मी की मेहंदी लगा रहे हैं, मतलब मम्मी की मेहंदी लग रही है ना मम्मी। हाँ, किस लिए लग रही है मम्मी? छठ पूजा के लिए। देखो दोनों हाथ ऐसे मतलब इन दोनों को दे दिया है, अब ये दोनों बेटियां मम्मी को जो करना चाहे वो कर सकती है हाथों में, है ना। हाँ, मतलब पूरा हाथ हमें सौंप दिया गया है, अब इसके अंदर या तो हम बिगाड़ेंगे या तो बनाएंगे। इतना धीरे कभी बोला नहीं है ना पायल तूने? नहीं, मतलब अगर मैं थोड़ा बोल भी लेती होंगी तो आप लोगों ने तो बिल्कुल नहीं बोला। मैं मम्मी के हाथ में ना ये वाली डिजाइन बना रही हूँ। बे ऐसी डिजाइन बनाना जो फटाफट हो जाए। हाँ, क्योंकि हमको सोना भी है। हाँ, ये बहुत ही सिंपल है, ये मुझे आती है इसीलिए मैंने ये सिलेक्ट की है और बैक में मैं ये वाली बनाने वाली हूँ। और पाल तेरा? मेरा तो अभी ढूंढ ही रही हूँ मैं। अच्छा, तब तक खुशबू तू लगा दे, ठीक है? हाँ। क्योंकि पता है मम्मी के हाथों में मेहंदी लगेगा ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। और मम्मी है ना जैसे ही स्टार्ट होगा ना उसके 2 मिनट के बाद सो जाएगी। ये हमेशा का है मम्मी का, मतलब नींद आना स्टार्ट हो जाता है मम्मी को, पता नहीं कैसे। थकान हो जाता है बेटा। वही तो, आज तो मम्मी हमारे को बिल्कुल भी टाइम नहीं दी है ना खुशबू। हाँ, मम्मी तो अपने मौज में थी। मम्मी अपना मतलब मी टाइम एंजॉय कर रही है ना अपने फैमिली के साथ, मतलब यहाँ की फैमिली के साथ, गांव की। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था ना उतनी ठंडी तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत सी तो है ही, गुजरात से ज्यादा ही है। को ज्यादा दिन तो यहाँ पे रहना नहीं है, जैसे तैसे करके है ना काट लेंगे ये सारे के सारे दिन। आपको गांव का छठ अच्छा लगता है कि शहर का? गांव का। क्यों? साथ में हमारे सास ससुर रहते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और गाइस यहाँ पे फुल ऑन दोनों बहने जो है वो मम्मी को मेहंदी लगा रहे हैं। कितने टाइम में लग जाएगा पायल? मैंने तो 1 घंटा बोला है, तुम लोग बताओ सच सच कितना लग जाएगा? मैं कुछ ज्यादा हार्ड छाप नहीं रही हूँ तो 45 मिनट जैसा लगेगा। यहाँ से हम जाएंगे ना तो प्लीज हमें ना जैसलमेर लेके जाना प्लीज। बाहर से? बाहर? हाँ, मतलब यहाँ से जाएंगे ना तब बिहार से मतलब जैसलमेर चलेंगे डायरेक्टली, ठीक है? अहमदाबाद नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना? प्रॉमिस कर रही हो ना? पापा से बोलूंगी। अरे मम्मी आपकी बात मानते हैं, आप पापा को बोलोगे ना तो वो है ना लेके जाएंगे हमको। ठीक है। ये पंखा कैसे चालू होगा? अरे बस उसको वो क्या बोलते हैं, प्लग लगा दो, बस स्विच ऑन कर दो, हो जाएगा। लगाओ ना। हाँ, लगा कुछ दो। होगा तो नहीं ना? लाइट बंद कर दो। ठीक है, स्विच सारी स्विच बंद कर दिए, लगा दूं? अब लगा दो, हो जाएगा ना चालू? हो गया। हुआ भाई। पायल जो है ना थोड़ी सी है ना चिड़चिड़ी हो गई है क्योंकि गाइस पायल की ना स्टडीज कंप्लीट ही नहीं हो पा रही है ना पायल। यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं कम से कम 2 घंटे तो पढ़ ही लूंगी, लेकिन इधर मतलब पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। ये बात तो सही बोला है पायल ने, मैं भी अपनी है ना 2 बुक्स लेके आया था कि है ना यहाँ पे आकर पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा। इधर ये लोग बुला लेते हैं, उधर वो लोग बुलाते हैं, कभी दादा बुलाते हैं, कभी दादी बुला लेती है, कभी पापा बुलाते हैं वो द्वार से ना घर के अंदर, मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि हमें ना अपने लिए मी टाइम निकाल पाए। अहमदाबाद में थे ना ऐसे पड़े रहते थे अकेले अकेले, जो मर्जी वो करना होता है, लेकिन यहाँ पे तो टाइम मतलब ऐसे ऐसे निकल रहा है, 12 घंटे कैसे निकल जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना। बिहार में ना मुझे बहुत लोग है ना देखते हैं, मतलब कभी भी मैं मार्केट में जाता हूँ तो बहुत लोग है ना मुझे देखते हैं लेकिन मेरे से मिलते हैं नहीं। तो ऐसा मत करो, अगर आप लोग मुझे देख रहे हो तो प्लीज मेरे पास आके रहना, मुझसे मिला करो, क्योंकि ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ भाई मेरे भी है ना कुछ लोग है जो मतलब मेरी वीडियोस देखते हैं और मुझे सपोर्ट भी करते हैं, मतलब देख के सिर्फ हंस के मत जाया करो, प्लीज मेरे से आकर थोड़ी सी बातचीत करा करो। देख रहे हो आप, आंख से देख सकते हो मेरी मम्मी को बहुत जोर से नींद आ रही है ना मम्मी। लेकिन ये लड़कियां हाथ छोड़े तब ना मम्मी का, ये लोग कंप्लीट जल्दी करते हैं नहीं है। खुशबू जो है वो जितना है ना मम्मी को मेहंदी नहीं लगाती ना उससे ज्यादा ना इरिटेट हो जाती है। खुशबू ऐसा क्यों करती है तू आज? है ना मैं ज्यादा इरिटेट हो रही हूँ क्योंकि है ना मैंने बहुत ही लोगों को मेहंदी लगाया है इसीलिए। तो मेहंदी लगाना पुण्य का काम होता है, तो उसमें तू क्यों इरिटेट हो जा रही है? अरे भैया कभी है ना मैंने इतने लोगों को मेहंदी लगाई नहीं है और आज मुझे लगाना पड़ा।
सो इसीलिए मैं थोड़ी सी इरिटेट हो गई। ओ भाई हमारी खुशबू का है ना मूड पे सब काम होता है ना, अगर मूड अच्छा होगा तो अच्छा काम करेगी, अगर मूड खराब हो गया तो है ना काम ही नहीं करेगी या फिर खराब काम कर देगी। मम्मी के दोनों हाथ में मेहंदी जो है वो ऑलमोस्ट लग चुकी है और अब मैं जाता हूँ सोने के लिए, क्योंकि है ना मुझे कल सुबह है ना जल्दी जल्दी उठना है क्योंकि घर में ना बहुत सारा काम है। वैसे तो मुझे कोई काम करने नहीं देगा लेकिन मैं जबरदस्ती काम जो है वो करूंगा, क्योंकि छठी मैया के पर्व में जो है ना ज्यादा काम करते हैं ना उसको है ना ज्यादा आशीर्वाद छठी मैया जी देती है, इसलिए वो पुण्य मैं ना गंवाना नहीं चाहता, वो पुण्य मैं पाके रहूंगा। इसलिए मैं जाता हूँ अभी सोने के लिए और फटाफट से कल सुबह जो है वो उठ जाऊंगा। गुड मॉर्निंग, फाइनली वो दिन आ चुका है, आज है छठ पूजा पूजा और अभी हम सुबह सुबह उठकर हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि है ना हमको छठ पूजा की सारी चीजें जो है वो लेनी है, जैसे ईख लेनी है, फूल लेने हैं, फल लेने हैं और बहुत सारी छोटी मोटी चीज और लेनी है जो कि पूजा में यूज होती है, वो सारी की सारी चीजें आज हम लेके आने वाले हैं। यस, और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है आज के दिन के लिए। हाँ। क्योंकि यही तो दिन होता है बिहारी लोगों का, मतलब बहुत ही अच्छा वाला है ना। हाँ, और इसी बात पे आप सभी लोग बोलो जय छठी मैया की। जय जय। फाइनली हमारी शॉपिंग जो है वो हो चुकी है और यहाँ पे जगह नहीं है बैठने के लिए। चली जा बहन, पीछे चली जा प्लीज। मैं इधर छोटी सी जगह में बैठ जाऊंगी। पाल तुझे तो पीछे ही जाना पड़ेगा। नहीं, ये उठा के मैं है ना हाथ में लेके बैठ जाऊंगी। तो मैं ही पीछे चला जाता हूँ है ना, क्योंकि मैं कहाँ बैठूंगा। हाँ, आपको जाना पड़ेगा पीछे। और कितना ज्यादा टाइम लग गया। मधुमक्खी, वो कहाँ पे? तेरे पीछे बैठी है। कहाँ पे है? ये रही, ये रही। इतू सी मधुमक्खी से डर गए तुम लोग। सबके घर पे जा रहे हैं दो केले और दो लड्डू देने के लिए छठी मैया का प्रसाद। हैप्पी छठ पूजा मम्मी। थैंक यू मम्मी। सारी की सारी तैयारियां हो गई? हाँ। यहाँ तो मैं आपकी वीडियो ले ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि है ना बहुत लोग आजू बाजू रह रहे हैं मम्मी। मैं सॉरी। चलेगा चलेगा ना। हाँ। लेकिन जब घाट पे जाओगे ना तब मैं आपकी वीडियो लूंगा। ठीक है ठीक है। पायल खुशबू ने हेल्प की तुम्हारी? हाँ। की पूरी? पूरी, पूरी बनाई, ठेकुआ बनाई, सब प्रसाद बना दी। वेल डन वेल डन। मैंने ना मम्मी का वीडियो लिया है। हाँ। लेती रहना बीच बीच में क्योंकि ना मुझे यहाँ पे टाइम ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, मुझे पता, पता है मम्मी हमने ना सबके घर में केला और लड्डू बांट दिए तो अच्छा, छठी मैया जी के प्रसाद के लिए अच्छा है, बांटना चाहिए। अब है ना फटाफट से ना रेडी हो जाओ क्योंकि है ना आई थिंक 3-4 बजे से ये लोग जाने वाले हैं बाहर, मतलब छठी मैया के घाट पे। इतना जल्दी? यस। वहाँ पे तो हम 5:30 बजे जाते हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जल्दी लोग आते हैं घाट से। ठीक है, जल्दी आने की बात नहीं, यहाँ पे जल्दी अंधेरा हो जाता है। फाइनली हम लोग जा रहे हैं रेडी होने, मम्मी जो है वो बाद में रेडी होगी, सबसे पहले हम रेडी हो जाएंगे उसके बाद हम मम्मी को रेडी करेंगे। हमेशा हम लोग वही करते हैं। क्या कर रहा है भैया? चल चल आज तो छठ पूजा का गीत गा। केरवा के पतवा पे नेवता पे ठवनी, नेवता करी ना सभी कार जी। गाइस ये रहा मेरा रानी कलर का अनारकली ड्रेस जो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ पहनने के लिए। इसका बैक डिजाइन जो है वो है ना डीप नेक है और ये फुल स्लीव्स है अनारकली जो बहुत ही अच्छा लगेगा मेरे ऊपर, मुझे पता है। पाल तू भी अपना दिखा दे यार। एक मिनट,
मेरा चूड़ी ना इसमें ऐसे रखा हुआ है, मिल ही नहीं रहा कुछ भी। और मैं ये कलर का चूड़ी पहनने वाली हूँ, मीन्स रानी कलर का, और ये ग्रीन इयररिंग्स जो मैंने पहले भी पहना हुआ है बहुत बार। मैं है ना पहनने वाली हूँ ये ऑरेंज कलर का अनारकली ड्रेस, जिसके अंदर है ना ऐसा कुछ डिजाइन है और पीछे है ना डोरी वाली डिजाइन है, मुझे वो ड्रेस चाहिए। ले इनका फिर से स्टार्ट हो गया, तेरे लिए ये आया तू यही पहनेगी, उसके लिए ये आया यही पहनेगी, प्लीज देखो। और मैं पहनने वाली हूँ ये वाले झुमके जो मैंने दिवाली पे पहने हुए थे, और सेम है ना ये वाली बैंगल्स पहनने वाली हूँ, क्योंकि है ना इधर आते आते है ना हमें मतलब पहले पता नहीं था कि हम लोग इधर आने वाले हैं, तो हमने है ना शॉपिंग नहीं की थी ज्वेलरी की, इसलिए हम जो पहले पहने हुए हैं वही पहनेंगे फिर से। मैं आया था तैयार होने के लिए, लेकिन ये देखो कितना सारा इन्होंने ना यहाँ पे फैला के रखा है पायल। हाँ? एक काम करो तुम लोग रेडी हो जाओ और मम्मी को भी रेडी कर दो, और फिर है ना नीचे मुझे है ना आवाज देना, फिर मैं आ जाऊंगा, ठीक है। मम्मी का कितना प्यारा मेकअप लग रहा है ना गाइस, कमेंट में बता दो कि मम्मी का मेकअप बहुत ही प्यारा लग रहा है। बस मम्मी ने है ना अभी लिपस्टिक नहीं लगाया, मम्मी रेडी हो जाएगी उसके बाद लिपस्टिक लगाएगी, है ना मम्मी। और मम्मी आपने साड़ी बता दी है कौन सा पहनने वाली हो? नहीं, कौन बाद में बताओगी? हाँ, तैयार हो जाऊंगी तो बताऊंगी। ठीक है, मतलब फुल लुक दिखाओगी एक ही बार? हाँ ठीक है। Namo Tassa, Namo Tassa, Namo Tassa, Namo Tassa.
जलाना क्यों? नहीं नहीं इससे जलाते हैं, लाए किस लिए है? ए यार मेरे को डर लग रहा है, लाओ दो। रुक जा, ऐसे डर नहीं लग रहा, किसी के घर में नहीं जाएगा ना। बस गिरे ना, ये ध्यान देना वरना खराब भी आएगा। ओ माँ मैं तो इससे ही डर गई। हाँ करो, ऊपर दिखाना चाहिए। आओ ऊपर जाएगा देखना। हाँ ऊपर 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 कहाँ गया? अरे ये तो क्या सोचा था, क्या अबे ये वो वाला नहीं था क्या? हाँ हमने सोचा वो ऊपर जाके ऐसे फूटा है, इधर कुछ और निकला। इससे अच्छी तो हमारी ये फुलझड़ी है, कम से कम ऐसे दिख तो रही है, ये तो कहाँ चला गया। हैप्पी छठ पूजा, हैप्पी छठ पूजा। रुक जा रुक जा, ऐसे ही जला दे, भाग जाना। ये तो और फट हुए, बे जला था ना यार। बस फाइनली हमारी छठ पूजा जो है वो गांव में हो चुकी है। और है ना गाइस, सुबह से ही है ना मैंने एक भी वीडियो जो है वो नहीं बनाई है। जो भी वीडियो जो है आज की सुबह की छठ पूजा की वो है ना पायल और खुशबू ने ही बनाई थी, क्योंकि गाइस मेरा पेट जो है वो पूरा का पूरा खराब हो चुका था। भी मैंने है ना जैसे तैसे करके ना वहाँ पे घाट तक मैं गया था, मतलब माता जी का पूजा करने के लिए। होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।